सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसे आप आर कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हो, आर कॉम के नाम से भी जानते हो। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर आप देखोगे भी काफ़ी टाइम से स्टॉक आपको जो ना इसी प्राइस के इर्द गिर्द, कभी स्टॉक के अंदर 2.27% की तेजी यानी 5 पैसे की तेजी, तो कभी स्टॉक आपको जो ना भी LC के अंदर लॉक होते हुए नजर आता है। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस सेशन में स्टॉक में LC लगा और आज के दिन आप देखोगे स्टॉक हमें जो ना लगभग 2% की तेजी पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या ये स्टॉक वाकई में 100+ जाएगा। बहुत सारे पब्लिक है जो कमेंट करती है हमारी वीडियोस के ऊपर कि स्टॉक जो ना 200+ जाएगा, 100+ जाएगा, 10+ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो भाई कंपनी का मार्केट कैप कितना, सिर्फ वो सिर्फ 600 करोड़ का, और जिस दौर से कंपनी गुजर रही है वो आप देखो भाई आखिरकार किस दौर से गुजर रही है। कंपनी के हालात वो बने हुए कि कंपनी डिलिस्ट होने के कगार पर है, लेकिन पब्लिक फिर भी इसके अंदर बाइंग कर रही है, जबकि पता है भाई ऐसा होगा फिर भी उसके अंदर फंसे जा रहे हो। तो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है लगभग 40,000 करोड़ प्लस का डेट है, जो कि कंपनी के जो लेंडर्स है वो आप देखोगे भाई कंपनी के जो एसेट्स है वो सेल कर रहे हैं, सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे भी है कि इसकी जो लैंडिंग एसेट थी, ठीक है, उसको भी सेल करने के बारे में बोल रहे थे। उसके अंदर आप देखोगे भाई तमिलनाडु के अंदर थी शायद वो, तो वहाँ पर आप तिरुवनंतपुरम में थी। तो ये सारी चीज़ आप देख कर चलो भाई आखिरकार कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या इस कंपनी का जो डाटा है वो आप उठाकर देखिए क्या सही है या फिर नहीं, कंपनी किस दौर से गुजर रही है, दिवालियापन से कंपनी गुजर रही है भाई। जी हाँ, ऐसे में आप देखोगे अगर एक बार कंपनी डिलीट होगी तो आपके सारे पैसे डूबेंगे। बड़े बड़े जो आप देखोगे भाई कंपनी के एसेट्स वगैरह सेल करके जो बड़े लेंडर्स हैं ना, पहले उनका पैसा दिया जाता है, फिर आप देखोगे बॉन्ड वगैरह ये जो देते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हो स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचना। तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना आई थिंक सबसे बड़ा खतरा है। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात बोलूँ तो आपको स्टॉक के अंदर जो ना एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, मेरा ओपिनियन यही है कि आप लोग इस स्टॉक से दूर रहोगे तो सही रहोगे। तो चलिए आपको आते हैं आज की जो बड़ी अपडेट आई है वहां पर हमें क्या देखने को मिला। एक और बड़ा जो ना भाई कंपनी के अगर मैं बात करूं तो कंपनी के लिए काफी बड़ी बैड न्यूज निकल कर आई है, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कर्जदाताओं ने नवी मुंबई स्थित रिलायंस कम्युनिकेशन के मुख्यालय को बेचने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर आप देखोगे लेंडर्स ने एक और जो ना भी खुलासा किया है कि जो नवी मुंबई स्थित इनका जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो मुख्यालय है, जो ऑफिस है, उसको बेचने की जो योजना है वो बना रही है। तो यहाँ पर आप सोचो भी कंपनी की एसेट्स को सेल किया जा रहा है इसके लेंडर्स के द्वारा, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या ये शेयर चलेगा या वाकई में शेयर जो ना 100+ जाएगा। भाई मैं गारंटी कहता हूँ ये स्टॉक 5 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉक हाँ चलेगा चलेगा तो ये 5 रुपये से ऊपर नहीं जाने वाला, आई थिंक ये स्टॉक जो ना 3 रुपये से भी ऊपर नहीं जाएगा। तो हाल फिलहाल स्टॉक के अंदर बने रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इस शेयर को सेल करके यहाँ से निकलना, जितना पैसा आपका निकल रहा है ना यहाँ से लेकर निकल जाइए और किसी अदर स्टॉक में आप लोग जो ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको जितना भी लॉस हुआ तो लॉस बुक कीजिए, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक कीजिए, जितना भी जो भी कुछ हुआ वो लेकर यहाँ से फटाफट से निकल जाओ, क्योंकि भाई यहाँ पर एक बड़ा गेम ट्रैप चल रहा है जिसके अंदर आप लोग ट्रैप हो सकते हो। जी हाँ, ऑपरेटर्स का बड़ा ट्रैप है, वहां पर आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे लेंडर्स ने जो ना एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि नवी मुंबई स्थित जो इसका रिलायंस कम्युनिकेशन का जो मुख्यालय है उसको बेचने की योजना बनाई जा रही है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए स्टॉक के अंदर आई थिंक बने रहना चाहिए। आज के दिन की अपडेट आई है, ये 15 जनवरी की ये अपडेट हमें देखने मिली, सॉरी कल की अपडेट है ये, तो 15 जनवरी की अपडेट है। तो भाई इस अपडेट को देखते हुए आप लोग स्टॉक के अंदर बने रहने के बारे में सोचना। यहाँ पर आप देखोगे रिलायंस जो है वो किस लेवल से गुजर रही है, ठीक है, दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत इसके ऋण समाधान में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसके चलते आप देखोगे भाई रिलायंस का जो नवी मुंबई में स्थित मुख्यालय है उसको बेचने की योजना बनाई जा रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।